on a whole nother level. Barely only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you it's special. Certain it's your... Hello friends, welcome back to 2 Tips, the simplest way. दोस्तों आज मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं, जो कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन के रिलेटेड है। तो अब यहां पे आप स्क्रीन पे देखिए, यहां पे वॉच टाइम और सब्सक्राइबर काउंट कंप्लीट है, और यहां पे ऊपर मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो यहां पे देखिए मोनेटाइजेशन इन रिव्यू, रिव्यू स्टार्टेड will be mail you when the channel is approved. अब यहाँ पे good news ये है कि ये monetization के लिए और review में है, लेकिन इसके साथ थोड़ा excitement भी है कि ये कितना time लेगा, ये कितना time लेगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि ये कितना time लगेगा इस पर, लेकिन इसके इससे related कुछ बातें जो है अगर वो हमें मालूम हो तो हम अपने चैनल के रिव्यू का रिज़ल्ट आने से पहले हम वो कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क एंड फीडबैक है, इसमें जाके भी हम जो कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ से हम फीडबैक सेंड कर सकते हैं और उनको रिमाइंड करा सकते हैं कि हमारा रिव्यू अभी तक जो है आपने कहीं किया है और मोनेटाइज नहीं हुआ है। लेकिन ये मैं अभी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा अभी ये हाल ही में कंप्लीट हुआ है और मैं इसके जो है रिज़ल्ट का वेट कर रहा हूँ। तो ये जैसे मोनेटाइज हो गया तो हो सकता है उस टाइम पे मैं आपको एक और वीडियो दे दूँ जिस पे आपको दिखा दूँगा कि ये मोनेटाइज कितने टाइम में हो गया था। अब इसके लिए जो कुछ चीज़ें मोनेटाइजेशन से पहले हमारे माइंड में होनी चाहिए जो मैंने सीखी है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि हमारे पे चैनल पर कोई भी स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट, ये चीज़ें होती है तो मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कीप इन माइंड ये चीज़ें आपके चैनल पे अगर हैं तो बिफोर मोनेटाइजेशन आप उनको रिमूव कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले प्रॉब्लम ये जो है टाइम में आने ये प्रॉब्लम ना आए। और मैं इस चैनल के बारे में आपको थोड़ा और भी डिटेल में बताना चाहता हूं, और एक बार फिर से आप सब दोस्तों का, सब्सक्राइबर का थैंक यू करना चाहता हूं जिन्होंने सपोर्ट किया और मेरा चैनल 1000 प्लस करके 1374 सब्सक्राइबर पे अभी है। मोनेटाइजेशन के लिए जो माइंड में रखने वाली बातें हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिस्प्ले पर बता देता हूँ। यहाँ पर हम अपने क्रिएटर स्टूडियो पर एक बार फिर से चलते हैं, और क्रिएटर स्टूडियो में देखिए आप यहाँ पे वॉच टाइम शो हो रहा है और यहाँ पे व्यू शो हो रहा है, तो ये तीन कैटेगरीज अगर थी तो वो कंप्लीट है और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट है इस तरह। और जो वीडियो है उस पर मेरे जो व्यूज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.8K अभी तक व्यूज़ हैं, और ये एक्सेल का फुल ट्यूटोरियल वीडियो है, एक ही वीडियो में कम्प्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ था एक्सेल का। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें, ये पेज आपको मस्ट देखना है, स्टेटस एंड फीचर में इसमें चैनल में जाके आप देखें कि आपके कॉपीराइट स्टेटस क्या है। अगर आपके कॉपीराइट लगे हुए हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन लगी हुई है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नीचे पढ़िए, यहाँ पर आपके पास 0 कॉपीराइट स्ट्राइक है और 0 कम्युनिटी गाइडलाइन है। अगर ऐसा क्लीन हो तो ये अच्छा है और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो आप उनको रिमूव कीजिए। अगर किसी ने आपको कॉपीराइट दिया है तो उनको मेल करके उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप कॉपीराइट को हटा दीजिए, तो आपकी जो है मोनेटाइजेशन इजीली हो जाए। और अगर आपको कोई कॉपीराइट ज़्यादा है तो आप उन वीडियोस को हटा दें मोनेटाइजेशन से पहले, क्योंकि ये रिव्यू में एक क्यू में होता है, और जैसे आपका नंबर आता है तो रिव्यू में जाता है, और अगर वो नंबर आने के बाद भी ये चीज़ें आप के लिए प्रॉब्लम कर रही है तो फिर जो है आपको एक बार फिर से वेट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट डालने के बाद, फिर जब आपका नंबर आएगा तभी वो रिव्यू होगा। अब इसको कितना टाइम लगने वाला है, यहाँ पे जो लिखा है वो आपने देखा है कि
1 मंथ तक बता रहे हैं, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा भी कभी कभी लग सकता है, 4-5 मंथ्स भी कोई कोई बोल रहे हैं कि तभी भी अभी तक मोनिटाइज नहीं हुआ। तो क्योंकि यूट्यूब की अभी पॉलिसी जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है, उन्होंने जो है अपना सिस्टम और अपने जो वर्कर्स हैं उनको गाइडलाइंस दे रखी है कि मोनिटाइजेशन किस तरह करना है और क्या क्या गाइडलाइन को फॉलो करके देखना है। अगर उस गाइडलाइन पे आपका चैनल जो है वो है तो फिर ये मोनिटाइज इजीली हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा कि यूट्यूब को अपने एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट चाहिए, तो जिस चैनल पे यूट्यूब एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट होता है वो चैनल इजीली मोनिटाइज हो जाता है। क्योंकि जो यूट्यूब एडवर्टाइज़र है वो देखते हैं कि आप हमारी वीडियो कहाँ डाल रहे हैं, आपने इस चैनल पे रखी है जहाँ पे हमारे कुछ भी एक तो ट्रैफिक नहीं है और कंटेंट भी ऐसा है कि जो देखने वाला है या नहीं है, और आपने जो है गलत वीडियो डाल के कॉपीराइट वाली वीडियो डाल के आपने जो अगर ले भी लिया व्यूज़ और वॉच टाइम तो भी फिर ये मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और अभी वेट कर रहे हैं अपने वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का, तो अभी से कीप इन माइंड, ये माइंड में रखिए कि आप इन चीज़ों को फॉलो करिए ताकि आपकी मोनेटाइजेशन जब हो तब आपको प्रॉब्लम ना आए। और कंटेंट अच्छा रखिए, अपनी खुद की वीडियो बनाइए, और अगर खुद की वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप YouTube सर्च कर सकते हैं और देखें उस पर कि हम किस तरह टॉपिक लें, किस तरह कंटेंट लें, इस तरह। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, और आप इस वीडियो के बारे में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके जो विचार हो उसको भी शेयर कीजिए। आपने जो मोनेटाइजेशन जिसकी हो गई है रिसेंटली वो मुझे अपने विचार बताएं, और जिनकी अभी जो रिव्यू में है वो भी अपने मुझे व्यूज शेयर करें तो मुझे भी थोड़ा उसमें अपडेट मिलेगा। तो आज के वीडियो में वंस अगेन थैंक यू ऑल योर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी सब्सक्राइब किया और वॉच किया, तो उनके लिए बिग थैंक यू। एंड आगे भी इस तरह आप हेल्प और सपोर्ट करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जब मेरा चैनल मोनिटाइज होता है तो मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं ये वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। Thank you.